नमस्कार दोस्तों, इजी टेक्निक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस वीडियो में अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ रोजिक RGES226GCP 26 पोर्ट GB क्लाउड मैनेज POE प्लस स्विच को। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ, इसमें लाइफ टाइम क्लाउड मैनेजमेंट फ्री है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है। फुल पोर्ट POE प्लस विद 370 वॉट के साथ हमें मिल जाते हैं। रिमोट मेंटेनेंस मिल जाता है, NVR कैमरा, री रिकॉग्निशन मिल जाता है। और रोजी के क्लाउड पर हमें ये, हम जब कॉन्फ़िगर करते हैं इसको, तो बहुत ही इजीली तरीके से ये कॉन्फ़िगर भी हो जाता है। मैं आपको कॉन्फ़िगर करके भी दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको स्विच दिखा देता हूँ, किस तरीके का हमें स्विच मिलता है। तो दोस्तों, ये हमारा स्विच है रोजी मॉडल RGES226GCP V3 पावर 100 to 240 वोल्ट, 50 to 60 GHz, 6 एम्पियर टोटल POE आउटपुट, 370 वॉट ईच पोर्ट आउटपुट, 54 VDC मैक्सिमम 30 वॉट। तो सबसे पहले ये हमारा स्टेटस की लाइट है यहाँ पर, LED मोड रीसेट, और ये हमारे टोटल 24 पोर्ट POE, और यहाँ पर 25F और 26F दो SFP पोर्ट मिलते हैं हमें, और इन दोनों की लाइट यहाँ पर जो है हमें मिल जाती है इनके स्टेटस को देखने के लिए। ये वेंटिलेशन के लिए स्पेस दिया है, यहाँ से फैन जो है हवा सक करता है, और ये यहाँ पर इसका फैन लगा हुआ है इसका। और ये पावर सोर्स है यहाँ पर, ये QR कोड है, सीरियल नंबर है, इसकी डिटेल है। ये हमें एक अर्थिंग पॉइंट मिल जाता है, और इसके साथ में हमें क्या मिल रहा है, स्विच के साथ एक पावर कॉर्ड है, माउंटिंग है, माउंटिंग किट है, एंड एक मैनुअल है, स्टार्ट क्विक स्टार्ट गाइड, एंड ये वारंटी कार्ड है। दैट्स इट, इसके अंदर हमें ये सारी चीजें मिलती हैं। और अब इसके बाद मैं आपको एक बार इसे कन्फिगर करके भी दिखाऊंगा, यूजर कंसोल इसका कैसे दिखाई देता है PC में जब हम इसको कनेक्ट कर लेते हैं। तो एक बार सिस्टम पर चलते हैं। तो दोस्तों, हम अपने PC की स्क्रीन पर आ गए हैं, और इसको मैंने अपनी ऐप के थ्रू ऐड कर लिया था। और ऐप के ऐड करने के बाद इसका जो IP मिला है इसे ये है, पासवर्ड भी मैंने सेट कर लिया है इसका। अभी लॉगिन करके मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरीके का यूज़र इंटरफेस इसका शो होता है। तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको मिलेगा कनेक्ट करने के बाद। ये आप देख रहे होंगे 23 पोर्ट पर एक केबल कनेक्ट है मेरी, और यहाँ पर स्टेटस अनआइसोलेटेड दिखा रहा है। मैं इसको आइसोलेट भी कर सकता हूँ। सिस्टम सेटिंग में देखेंगे तो डिवाइस इन्फो मिलेगी, डिवाइस में क्या मॉडल नंबर, क्या IP और क्या चीज़ इसको असाइन होती है, फ्रेमवेयर व हार्डवेयर वर्जन क्या है। IP सेटिंग यहाँ पर मिल जाती है, अकाउंट सेटिंग मिल जाती है यहाँ पर, पासवर्ड रीबूट करने के लिए, फ्रेमवेयर अपग्रेड करने के लिए, रिस्टोर डिफॉल्ट पॉइंट, एंड यहाँ पर मॉनिटरिंग मिल जाएगा आपको स्विच का, होस्ट नेम, मॉडल नेम, सीरियल नंबर, IP एड्रेस, पोर्ट स्टेटस यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको। केबल डायग्नोस कर सकते हो आप, ठीक है, कि केबल जैसे डीलिंग के स्विच में भी आता है आपको, सेम वैसा ही ऑप्शन है। लूप गार्ड मिलेगा आपको, यहाँ ऑन ऑफ करने का ऑप्शन है यहाँ पर। सो इस सेटिंग में आ जाएंगे तो पोर्ट सेटिंग, ठीक है, पोर्ट मिररिंग, पोर्ट आइसोलेशन, स्टेटस ऑन ऑफ, स्टेटिक मैक कर सकते हैं, सर्च मैक कर सकते हैं, मैक लिस्ट देख सकते हैं, DHCP स्नूपिंग कर सकते हैं, VLAN देखेंगे हम, VLAN मेंबर बना सकते हैं, VLAN की सेटिंग कर सकते हैं। क्विक सेटिंग हो गया, पोर्ट रेट हो गया हमारा, ठीक है, स्टॉर्म कंट्रोल हो गया, POE सेटिंग हो गया। तो कुछ इस तरीके का हमारा जो यूज़र इंटरफेस है स्विच का दिखता है, और ये सारी चीज़ें हैं। आपको इस स्विच से रिलेटेड कुछ अगर जानना है तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में मैं आपको डिटेल में वो इन्फॉर्मेशन दे दूंगा जिसकी आपको रिक्वायरमेंट है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।